हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम क्लास फर्स्ट की स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट हमारा मैथ्स का है और वीडियो नंबर हमारी जो है बेटा सेकंड है चैप्टर फर्स्ट की। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की सेकंड वीडियो। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था बेटा, लास्ट क्लास में हमने करी थी नंबर्स नेम किए थे, बैकवर्ड काउंटिंग की थी और कंप्लीट द पैटर्न किया था। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर टू चैप्टर फर्स्ट का। तो वीडियो नंबर टू हमारा ये दे रखा है, देखो यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू से स्टार्ट करेंगे, ज्वाइन द नंबरल्स इन ऑर्डर्स। यहाँ पे नंबर्स के थ्रू आपको क्या करना है, एक पिक्चर को कंप्लीट करना है। क्या करना है, एक पिक्चर को कंप्लीट करना है। नंबर को नंबर से अटैच करते जाओगे तो ये जो पिक्चर दे रखी है आपको वो कंप्लीट हो जाएगी। देखो डॉट्स भी दे रखे हैं और नंबर्स भी दे रखे हैं, ठीक है, थीके? जिससे आपको मतलब जिससे आप सही पिक्चर को कंप्लीट कर सको उससे आप कंप्लीट कर सकते हो। या तो नंबर से करनी है तो नंबर से कर लो, अगर आपको डॉट से करनी है तो आप डॉट से कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका होमवर्क है। ये मैं आपको थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी करके बता रखा है, बाकी का आप खुद से करोगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सअप कॉलिंग करके पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो वीडियो नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर टू, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, बैकवर्ड काउंटिंग दे रखी है। बैक काउंटिंग तो आप जानते ही होंगे, छोटी क्लास में भी आपने सीखी होगी। बैक काउंटिंग किसे कहते हैं, जो ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे तक जाती है। तो यहाँ पे 10 टू कितनी दे रखी है, 41 बैक काउंटिंग दे रखी है। तो 10 से पहले क्या था, 9, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। ये हमारी 10 टू 1 बैक काउंटिंग थी। ये रो मैंने आपको कंप्लीट करके ऑलरेडी बता रखी है। अब सेकेंड रो मैं आपको करके बताऊंगी, वैसे ही आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तीन रो आपको खुद से कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट, तो 20 से पहले क्या आता है, 1919, उसके बाद 1818, उससे पहले 1717, उससे पहले फिर 1616, 1515, 1414, 1313, और ये लास्ट में जो आपका बचा वो आपने लिख दिया। ओके स्टूडेंट, तो हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट होती है, 2211 हमारी ये सेकंड रो थी बैक काउंटिंग की, ये कंप्लीट होती है। तो थ्री रो बची है, मतलब 30 की, 40 की एंड 50 की है। तो थ्री रो आपको खुद से कंप्लीट करनी है, ठीक है। अगर किसी भी रो में आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है ना क्या करना है, इससे ही रिलेटेड आपको क्या दे रखा है, नीचे और बैकवर्ड काउंटिंग दे रखी है, वो आपको खुद से कंप्लीट करनी है। मैंने आपको एक रो पहले ही कंप्लीट करके बता रखी है, यहाँ पे दे रखा है 14 to 7 दे रखा है आप, और बीच में क्या दे रखा है, 11 दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हो और 11 से आगे भी कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ से करके दिखलाती हूँ। देखो 7 से आगे क्या आता है, 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 14। तो एक रो मैंने आपको कंप्लीट कर रखी है, ठीक है। अब ये सेकंड रो दे रखी है, आप कैसे कंप्लीट करोगे, 17 से पहले 16, 16 से पहले 15, 15 से पहले 14, ठीक है, और 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, और लास्ट में क्या होगा, 21। ये दो रो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बाकी की जो रो है वो आपको खुद से कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास हमारी क्या थी, बैकवर्ड काउंटिंग की थी। इससे आगे एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये भी इसी पे डिपेंडेड है, ये आप खुद से करोगे। अगर किसी में भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। मिसिंग काउंटिंग है, ये आप खुद से करोगे, ठीक है स्टूडेंट। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप बेशक पूछ सकते हो। तो आज क्लास हमने फर्स्ट चैप्टर की सेकेंड वीडियो कम्प्लीट होती है। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं फिनिश होती है।